सारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ऐसा राजनीतिक दल जिसमें लाखों नहीं करोड़ों कार्यकर्ताओं की भागीदारी, दिन रात उनका प्रयत्न, समय देकर के इस पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस कार्य समिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर आप सभी खड़े होंगे। राष्ट्रगान के लिए, जैसे कि हमारी बैठक की परंपरा है, वंदे मातरम। भारत माता की, तब मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी से कि इस कार्य समिति में हमारे बीच में आपके आग्रह पर हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए माननीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मुखिया माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी का आप स्वागत करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी। और मैं आग्रह करूंगा हमारे कोषाध्यक्ष राम कुमार भूतड़ा जी, वो भी आए। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय कोषाध्यक्ष जी कमल का चिन्ह देंगे माननीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी और कोषाध्यक्ष जी। मैं आग्रह करूंगा हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष सम्मानीय प्रसन्न जी मेहता और हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हरिराम जी रेडवा जी, हरिराम जी रेडवा जी आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुकेश दादी जी हमारे बीच में आए और हमारे संगठन महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे पार्टी के प्रदेश के मुखिया सम्मानीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी से कि वो आए और इस कार्य समिति में आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत उद्बोधन
और प्रस्तावना के लिए माननीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष, एक बार जोरदार तालियों के साथ। तालियां जोरदार नहीं थी तो नड्डा जी के स्वागत में जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये थोड़ी जोरदार है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में हम सब के बीच में विशेष रूप से उपस्थित पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, प्रदेश के प्रभारी सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री हम सब के चिर परिचित आदरणीय अरुण सिंह जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने जिस राजस्थान को बीमारू राज्य से विकासशील प्रदेश की श्रेणी में खड़ा किया, उसी विरासत को आपने विकसित राजस्थान के रूप में विकसित किया, ऐसे हमारी आदरणीय वसुंधरा जी, जिनकी उम्र और आवाज में बहुत बड़ा विरोधाभास है, जब मंच पे और सदन में बोलते हैं तो लगता है कोई 35 वर्ष का नौजवान बोल रहा है, लेकिन ऐसे हमारे श्रद्धेय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाबचंद कटारिया जी, उपनेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, अभी राजस्थान में बहुत सारे हमारे विधायक और सांसद कई जगह केंद्र की अनेक योजनाओं के उद्घाटन के लिए जाते हैं। इस पूरे देश भर में 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने घर घर नल पहुंचाने का संकल्प लिया, ऐसे हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हम सब के ही परिचित और बीकानेर की आवाज, लेकिन आजकल पौंडीचेरी में भी मारवाड़ी में भाषण देते हैं, ऐसे हमारे अर्जुन भेगवाल जी, हम सब के संरक्षक, बहुत सारे मेरी उम्र के लोग जिन्होंने युवा राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की, ऐसे हमारे पथ प्रदर्शक, सम्मान के योग्य आदरणीय ओम जी भाई साहब, आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई, कैलाश चौधरी जी, कैलाश जी की उम्र पे मत चले जाना, आपने इनको बोलते हुए सुना होगा, हमारे कनकमल कटारा जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अशोक परनामी जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अलका जी, भारती बहन जी, हाँ मुझे दिखी नहीं उधर से, मेरी गलती होगी, इस गलती पे ताली बजा सकते हो, आदरणीय भारती बहन जी जो हमारी सह प्रभारी भी हैं, और मुझे पता लगा कि पन्ना प्रमुखों की योजना का विस्तार से वर्णन आपके बीच में किया है, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और चित्तौड़ के सांसद भाई सीपी जोशी जी, और जिन्होंने पार्षद से सांसद का सफर तय किया, ऐसे हमारे राजेंद्र गहलोत जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं क्षमा चाहता हूं कि आज विलंब हुआ और मैं सब कार्यकर्ताओं से भी माफी चाहूंगा, यहां पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण, जिला प्रभारीगण और कार्य समिति के सभी सदस्यगण, जिला प्रमुख, मेयर,
ये प्रदेश की पहली कार्य समिति, आप सब लोग पधारे, लेकिन इस विलंब के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मुझे अंदाज नहीं था कि आदरणीय नड्डा जी के लिए हमारे सभी मोर्चों के, पार्टी के सभी विधानसभाओं के, जयपुर शहर के इतने जोश के साथ उनका स्वागत करेंगे, और उस विलंब का कारण भी वही था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो समूह है जो अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग रंग के हैं, अलग 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 भौगोलिक परिस्थितियों से आते हैं, अलग अलग जिम्मेवारी पर हैं। भले ही राजस्थान में हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन बूथ से लेकर जिला तक एक मजबूत संगठन को अपने परिश्रम के पसीने से खड़ा करने में इस मेरे समक्ष सामने बैठे इस समूह ने साबित किया है। सरकार जब विपरीत विचार की होती है तो कई चुनौतियां होती हैं, और उस चुनौती से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि राजस्थान की सरकार कितने दमन पर उतरी है, कि आदरणीय अध्यक्ष जी पर भी राजस्थान के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर। और पिछले दिनों आपने देखा, लगातार मुझे कल सूचना मिली कि रावत भाटा में बीएमएस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वार पर एनएसवीआई के गुंडों ने हमला किया, जोधपुर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, पूरे प्रदेश भर में दमन चक्र चला है। मैंने सत्ता के मद में डूबी ऐसी अहंकारी सरकार आज तक नहीं देखी, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, इन सब के परिश्रम के बूते पर विगत दिनों पंचायती राज के चुनाव हुए, 4.5 करोड़ मतदाता राजस्थान में हैं, 2.41 करोड़ मतदाता उसमें शामिल थे, और भारतीय जनता पार्टी को पंचायती राज चुनाव के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नाते 21 में से 14 स्थानों पर जिला परिषद जीतकर हमारे इन सब लोगों ने अपना दमखम दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे राजस्थान हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में एक छोटी सी बात हमेशा मशहूर है कि उनका जब राष्ट्रपति के लिए नामांकन तय हुआ तो उस समय के प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री ने पूछा कि कलाम साहब, आपके लिए कौन सा मुहूर्त ठीक होगा। बेहद खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने, कहा कि मैं एक मछुआरे के घर में पैदा हुआ और पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया बनूंगा, ये सौभाग्य कहीं मिल सकता है तो भारत की धरती पर पैदा होने पर ही मिल सकता है। ऐसी खूबसूरत भारत की धरती, और हम सब का सौभाग्य है कि इस धरती पर आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के मुखिया के तौर पर आप राजस्थान में पधारे हैं। राजस्थान वो धरती है जहां जीवन उत्सव है, राजस्थान वेयर लाइफ इज सेलिब्रेशन। रंग बिरंगी धरती, अनेक किस्म की भाषा, संस्कृति, बोली, और इस विरासत को शक्ति और भक्ति की धरती कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं अर्ध मरुस्थल के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, एक साधारण किसान के घर पर पैदा हुआ, और आज मैं जिस मंच पर खड़ा हूं, उस मंच पर कोई ये सौभाग्य दे सकता, आशीर्वाद दे सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है, जो मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा कर सकती। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सभागार का नाम स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के नाम से है। इस राजस्थान की राजनीति में उस अजात शत्रु को कौन भूल सकता है जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की प्रेरणा को कागजों से जमीन पर उतारा और काम के बदले अनाज योजना लागू करके इस राजस्थान के गरीब को न्याय दिया। राजस्थान की धरती पर सुंदर सिंह भंडारी जी के योगदान को कौन भूल सकता है, और मैं जिस अध्यक्ष के नाते आपके बीच में खड़ा हूं, स्वर्गीय जेपी माथुर साहब, स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी, स्वर्गीय रामदास अग्रवाल जी, स्वर्गीय रघुवर सिंह कौशल जी, स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी, अभी आपने जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया वो सहज रूप से उनको हम सब लोग भाई साहब ही कहते थे, स्वर्गीय भंवर जी भाई साहब, ऐसे हमारे बीच में आज भी अवस्था के बाद भी जिनके दिल में पार्टी बसती है, ऐसे हमारे
हरिशंकर भाभड़ा जी, मैंने जिनकी विरासत को संभाला, ऐसे स्वर्गीय श्रद्धे मदनलाल सैनी जी, मुझे अध्यक्ष जी सौभाग्य मिला कि हर पीढ़ी के उन लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला और सीखने का अवसर मिला। मैं सौभाग्यशाली हूं कि महेश चंद्र शर्मा जी, आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, आदरणीय वसुंधरा जी, अशोक परनामी जी, अरुण चतुर्वेदी जी, इन सब लोगों के साथ उस परंपरा से मैं आज आपके बीच में आया हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने विद्यार्थी परिषद के संस्कार लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत बेशक करी होगी, और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिस शक्ल के रूप में देखता है उसके मजबूत बुनियाद आपके हाथ में रखी है। मुझे ध्यान अच्छे तरीके से, जब मैं आदरणीय ओमजी भाई साहब के आशीर्वाद से जब युवा मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री था और आपकी जनादेश यात्रा थी, उस समय की राजनीति में कोटा का विशाल अधिवेशन 1993 में आपकी अगुवाई में हुआ था, और आपका पग फेरा कितना शानदार है कि 1993 में ही पहली बार हमारी बहुमत की सरकार उस समय राजस्थान में बनी थी। लेकिन राजस्थान की जनता भी आशीर्वाद देती है अध्यक्ष जी, और इसलिए हमारे ये तमाम कार्यकर्ता जो राजस्थान के अनेक हिस्सों से आए हैं, ये जो तालियां थी इस बात की हैं कि आपने राजस्थान को खूब दिया है। लेकिन राजस्थान अब दुआएं देता है कि पांचों ही राज्यों के चुनाव आपकी अगुवाई में पार्टी शानदार तरीके से जीते, जीत का आगाज करे, और आपसे निश्चित रूप से वो संबोधन और मार्गदर्शन चाहेंगे कि जिसमें हमारे भी चारों उपचुनाव हैं। ये वो शक्ति बैठी है मेरे सामने जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर चारों के चारों विधानसभा के उपचुनाव की जीत आपकी झोली में डालेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके संबोधन में हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, राजनीतिक प्रस्ताव भी यहां होगा और संगठन का एक विशेष सत्र भी होगा जिसमें आपने 21 फरवरी को जो मार्गदर्शन दिया था कि राजस्थान में सशक्त मंडल हो, सशक्त बूथ हो और नीचे तक पन्ना प्रमुखों तक की हमारी ताकत खड़ी हो, ये सब लोग वही संकल्प लेकर आए हैं कि हम सब लोग राजस्थान में एक ऐसा संगठन तैयार करेंगे कि जो निश्चित रूप से इस पार्टी को तो ताकत देगा ही, लेकिन राजस्थान में एक धारणा बनी हुई है और उस धारणा के आधार पर कांग्रेस के लोग कई बार आनंदित होते हैं कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। अब हम आपके सामने संकल्प लेते हैं कि राजस्थान की जनता, क्योंकि पिछली बार कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, केवल 0.5%, राजस्थान की जनता ने मोदी जी को खूब जबरदस्त आशीर्वाद दिया और 25 की 25 लोकसभा सीटें हमने जीती। पंचायती राज के चुनाव का जिक्र किया, निकायों के चुनाव भी हुए, अभी 90 निकायों के चुनाव हुए। कांग्रेस के लोग नेहरू जी के जमाने के आंकड़े बता रहे थे, लेकिन 90 में से 71 जगह कांग्रेस पार्टी हारी, ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम सब लोग आपके इस मार्गदर्शन से ये संकल्प निश्चित रूप से लेंगे कि अब राजस्थान में ये सिलसिला बंद होगा। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, हम सब लोग आपके समक्ष ये संकल्प करके आए हैं कि अब बार बार का सिलसिला बंद होगा, अब हर बार बीजेपी होगी, अजय बीजेपी होगी, अभेद राजस्थान होगा। इस संकल्प के साथ आपके बीच में आए हैं अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा राजस्थान की जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। यहां जब किसानों के कल्याण की बात होती है, हम लोगों ने इससे पहले भी 5000 चौपालें की थी और उसी का नतीजा था कि पूरी सरकार, सरकारी मशीनरी एक तरफ खड़ी थी और हम लोगों ने पंचायती राज के चुनाव में सरकार को धूल चटाई, शिकस्त दी। और इसलिए राजस्थान की जनता इसलिए साथ खड़ी है क्योंकि हम लोग जब किसान चौपाल में पूछते थे कि आजादी के बाद आज तक किसानों के कल्याण का कौन सा ऐसा काम हुआ है, बिना पार्टी के, बिना जाति के, पंथ के, बताइए, तो लोग हाथ खड़े करके कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड,
ये अटल बिहारी जी की देन जो राजस्थान के और हिंदुस्तान के किसानों को सबसे बड़ी देन थी जिससे उनका जीवन बदला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें राजस्थान के 65 लाख किसान उस निधि का सम्मान करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उससे अपने आप को ताकत पाते हैं। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में राजस्थान का किसान और राजस्थान का नौजवान आपके सामने मोदी जी के साथ खड़ा है, ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। मैं अपनी बात पूरी करूं, लेकिन मेरी बात अधूरी रहेगी यदि पिछले 2.25 साल की सरकार के काले कारनामों का, कुशासन का जिक्र नहीं करूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने आपको निवेदन किया है कि ये उस किस्म की सरकार है, मैं 90 से राजनीति में हूं, लेकिन इस किस्म की दमनकारी सरकार नहीं देखी। इस पूरे राज्य में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, राजस्थान की बहन बेटियों की इज्जत पर आंच आई है, राजस्थान पर सड़क पर चलने वाला कोई नौजवान, कोई राहगीर सुरक्षित नहीं है। 6,13,000 मुकदमे राजस्थान की धरती पर पहली बार दर्ज हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि राजस्थान की वानगी है कि शांत प्रिय प्रदेश अब अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। यदि इसको क्राइम कैपिटल कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने आपको एक वीडियो पेश किया जिसमें इनके अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने राजस्थान की सभाओं में कहा कि 10 तक गिनती गिनेंगे, जैसे राजस्थान की जनता को गिनती आती नहीं। 10 तक गिनती गिनी और ये कहा कि किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ। 59 लाख किसान 99,000 करोड़ के कर्जे की आस में राजस्थान के अनेकों किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। गंगानगर के, रायसिंह नगर के सोनलाल कड़ेल ने एक लाइव वीडियो जारी किया और उसने कहा कि मैं मौत के आगोश में जा रहा हूं, लेकिन इस सरकार की बदनीयति के कारण, और उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ये मेरी मौत के जिम्मेवार होंगे। ऐसे दर्जनों आत्महत्याओं का सिलसिला राजस्थान में जारी है। राजस्थान का बेरोजगार, जिसको जन घोषणा पत्र में कहा, बजट 1 में कहा, बजट 2 में कहा, ये कहा 2 लाख नौकरियां देंगे, कुछ चंद हजारों नौकरियां देकर राजस्थान के उन नौजवानों को सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। आज 28.2% बेरोजगारी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कहीं है तो राजस्थान की धरती पर है। संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, उनको नियमित करने का वादा किया था। राजस्थान की जनता, जिनको हम लोग हमारी पूर्ववर्ती सरकार में, आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार के, अनेकों ऐसी योजनाएं थी, या तो उन योजनाओं को बंद कर दिया या उनका टाइटल बदल दिया, लेकिन टाइटल बदल कर भी उन योजनाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेकों ऐसे इस सरकार के, मैं एक लंबी फहरिस्त है उसका वर्णन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारे सदन में नेता प्रतिपक्ष और हमारे तमाम सदस्यों ने पिछले दिनों सवालों के जरिए और सदन की परंपराओं के जरिए सरकार को सदन में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भले ही कोरोना का प्रोटोकॉल है, 144 लगी हुई है, लेकिन हमारे सब कार्यकर्ताओं का ये आग्रह है कि राजस्थान में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करें, और इसलिए आज तो आपका स्वागत करने के लिए हमने बुलाया। 6 मार्च से 14 मार्च तक यही बिजली, कानून व्यवस्था, रोजगार, कर्जा माफी, इन सब के लिए हम लोग उपखंड स्तर पर हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और मैं आपको निमंत्रण देता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, जब ये कोरोना का प्रोटोकॉल खत्म हो जाए, 144 खत्म हो जाए, इसका संक्रमण कम हो जाए, तो राजस्थान में, इसी राजधानी में, आपका 2 लाख आंदोलनकारी इन सब समस्याओं को, मांगों को लेकर आपका स्वागत करेंगे, एक ऐसा प्रचंड आंदोलन इस सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे। अंत में आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना की वैश्विक महामारी थी, बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत ने इस लड़ाई को लड़ा। और हमारा सौभाग्य है कि आपने भी हमें घर बैठने नहीं दिया, आपने वर्चुअल मीटिंग से बेशक शुरुआत की थी और आप आदेश देते थे कि लोगों के सुख दुख की पूछो। एक वो पार्टी थी कि जिन पार्टी के नेताओं ने आधा किलो आटा भी कोई सोनिया गांधी ने किसी को दिया हो गरीब को, लेकिन आपके आदेश से
राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक तो नहीं 1.5 करोड़ लोगों को भोजन कराया, 80 लाख लोगों को भोजन के पैकेट का वितरण किया और 2,65,000 लोगों ने पीएम केयर में अपना अंशदान दिया, 83 लाख लोगों ने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया। आपके उस अभियान को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरमाथे लिया और मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि केवल राजनीतिक नारों की नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अब सरोकारों की पार्टी है जो गरीबों के दरवाजे के अंत तक जाकर उसको संबल देने का काम करती है। अध्यक्ष जी, आपके इस निर्देश के बूते पर आपने जब कहा कि हमें काम करना है, चुनौतियां हैं बेशक, मैं घर नहीं बैठा, आपका आदेश था और इसी कारण 2 बार संक्रमण का शिकार हुआ, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की दुआओं की बदौलत, ये हमेशा प्रेरणा देते थे, उत्साह देते थे, मनोबल देते थे, जिसके आधार पर हम लोग राजस्थान में पार्टी की एक राजनीतिक शक्ल से हम लोग सामाजिक तौर पर मजबूती का पैगाम दे पाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए इस अपील के साथ, आह्वान के साथ कि राजस्थान, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने वो समय देखा है कि जब बुनियादी विकास से तरसते थे लोग, सामान्य सामान्य बातें, शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन, जनधन, उज्ज्वला, आवास, ये तमाम बातें, लेकिन मैं इस मंच से आपका, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का विशेष तौर पर अभिनंदन करूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों बार की कार सेवा में गए थे, मंदिर का सपना लेकर गए थे, उस सपने को राजस्थान की जनता को पूरा किसी ने किया, तो आपकी अगुवाई में, मोदी जी की अगुवाई में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारे यहाँ बहुत सारे सैनिक हैं और हमारे यहाँ लोग तकलीफ पाते थे जब कोई सैनिक शहीद होता था, लोगों के मन में पीड़ा थी कि कश्मीर हमारा है लेकिन तिरंगा जलाया जाता है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करूंगा आप सब की तरफ से कि धारा 370 खत्म करके आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ कर ये पैगाम राजस्थान के उन सैनिकों को दे दिया कि राजस्थान की जनता इस राष्ट्रवादी फैसले में आपके साथ खड़ी है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करते हुए कि जोरदार तालियों के साथ माननीय नड्डा जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। निश्चित रूप से आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो भरोसा दिलाया है और संगठन के बारे में कहा है, निश्चित रूप से ये कार्य समिति उसी आशा और अनुरूपी के साथ संगठन को आगे बढ़ाने का और इन सभी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम करेगी। मैं आग्रह करूंगा हम सब के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जगत प्रसाद नड्डा जी से कि वो आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर के एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय भाई साहब का स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के प्रदेश कार्य समिति के बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और जुझारू अध्यक्ष श्री सतीश पुनिया जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहीं और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन वसुंधरा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य अरुण सिंह जी, हमारे पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य श्री ओम माथुर जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया जी, हमारे यहाँ की प्रदेश सहप्रभारी और हमारे लोकसभा की सदस्य बहन भारती बहन सियाल जी, भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी,
हमारे उपनेता और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेंद्र राठौर जी, चंद्रशेखर जी, बहन अलका गुर्जर जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक परनामी जी, सम्मानित मंच और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, सांसद और विधायकगण और हमारे जिला के भी जिला अध्यक्षगण, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सब लोग आज कुछ संकल्प लेकर के आगे संगठन की योजना बनाने के लिए एकत्र आए हैं और इसीलिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो राजस्थान की भूमि, ये जो वीरों की भूमि है और ये तपोभूमि है, इसको मैं नमन करता हूं और यहां से प्रेरणा लेता हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं यहां बैठा बैठा सोच रहा था, मैं 1991 में आया था, शायद 1991 में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक इसी हॉल में हुई थी और उससे पहले की यात्रा को याद कर रहा था कि कैसे हमारे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने पार्टी को खड़ा किया, किस तरीके से उन्होंने, जब यहां नाम लेवा नहीं था तो जनसंघ का दिया जला करके गांव गांव, घर घर, शहर शहर, डगर डगर घूम करके उन्होंने दिया जलाया और उसी दीपक से बढ़ते बढ़ते आज भारतीय जनता पार्टी का यह स्वरूप बना है। मैं ये इसलिए याद कर रहा था क्योंकि जब हमें कुछ हासिल हो जाता है तो हमें उसका महत्व तो समझ में नहीं आता, और मैं हमेशा कहता हूं कि उजाले का महत्व तो तब होता है जब अंधकार के कहर को जानना हम सीख लें। जब अंधकार हमको पता होता है कि उसकी त्रासदी क्या है, तो फिर उजाले का महत्व तो और बढ़ जाता है। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कमल खिल रहा है, हर जगह पर खिल रहा है, और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहां भी कमल खिला है, आगे भी खिलेगा, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, न्यू इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, उन न्यू इनिशिएटिव्स के माध्यम से पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम चल रहा है। आप लोगों ने शिक्षण का काम भी लिया, प्रशिक्षण का काम भी लिया, बहुत हद तक वो पूरा हो गया है। मेरा आप सबसे एक निवेदन है और वो निवेदन इसलिए है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी इज ए मास ऑर्गेनाइजेशन विथ ए कैडर बेस्ड काडर, यानी हम मास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जनता में छवि है, लेकिन हम काडर बेस्ड हैं और इसलिए काडर बेस्ड होने के कारण कैडर को मजबूती प्रदान करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसीलिए जो आह्वान हम सब लोगों ने दिया है, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और सक्रिय पन्ना प्रमुख, ये तीन लक्ष्य हमको 2021 में पूरे करने हैं। 6 अप्रैल स्थापना दिवस से पहले सभी मंडल सशक्त हो जाएं, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और इसलिए जब हम संगठनात्मक विषय की बातचीत करते हैं तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ये रचना कीजिए, यहां इस कार्यकारिणी की बैठक के पश्चात योजन कीजिए कि कैसे सारे सशक्त मंडल हो सकते हैं और उनकी तारीख 6 अप्रैल है, दूसरी तारीख है 25 सितंबर दीनदयाल जी की जयंती, तब तक हमारे बूथ का गठन पूरा का पूरा हो जाना चाहिए। कोई भी बूथ ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां हमारी बूथ कमिटी नहीं बनी, और कोई भी बूथ ऐसा नहीं होना चाहिए जहां महिलाएं ना हो, दलित भाई ना हो, ओबीसी ना हो, अति पिछड़ा ना हो, युवा ना हो,
इन सब लोगों को साथ जोड़ करके हमको समिति बनानी है और यह समिति को नीचे धरती पर उतारना ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसके साथ साथ 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन, तब तक हमको हर बूथ पर, मैं लंबा टाइम दे रहा हूं आपको ताकि आप ये ना कह सकें कि हमें समय नहीं मिला, 25 दिसंबर तक हर बूथ पर हमको पन्ना प्रमुख, सक्रिय पन्ना प्रमुख बना लेना है। इसके लिए हमको काम करना है। आप कहिएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से चल के आया और वो बूथ की चर्चा कर रहा है। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि यही हमारी ताकत है, यही हमारे को शक्ति देती है। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों को मालूम नहीं होगा शायद कि सूरत की सीट को वे लार्जेस्ट मैक्सिमम मार्जिन से जीतने वाली सीट सूरत की है और सूरत में कोई जनसभा नहीं हुई, सूरत में कोई कैंडिडेट की सभा नहीं हुई, सिर्फ बूथ वर्किंग से लार्जेस्ट मार्जिन से जीत करके आए। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी जी की हवा तो सब जगह थी लेकिन उस हवा को कैप्चर करने की ताकत सूरत के पास थी। वैसे ही हमारे हिमाचल में कांगड़ा को सेकंड हाईएस्ट मार्जिन मिला। कैंडिडेट 6 दिन पहले घोषणा होती है, कैंडिडेट कोई जानता नहीं था कि ये कैंडिडेट बनेंगे, लेकिन वहां भी हम 4,80,000 से ज्यादा वोटों से जीत करके आए। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर आपने जनता में वातावरण होता है, जनता चाहती है, लेकिन जो जनता चाहती है उसको ईवीएम में डालना यह भारतीय जनता पार्टी का काम होता है, इसको हमको पूरा करना चाहिए। इसके लिए हमको काम करना चाहिए और इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे याद है, यहां की भी मैं बात करूं, हमारे पाली के सांसद बैठे हुए हैं, उन्होंने जिस तरीके से बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो हमारे ध्यान में है। इसलिए हमको नीचे की धरती पर इसको कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से हम इसको उतार सकते हैं और उसके लिए हमको काम करना चाहिए। आप बोलिएगा कि ये आए थे कोई राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत नहीं कर रहे हैं और ये संगठनात्मक विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह जो मूल बातें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ खड़ी हुई, उसको वापस हमको मजबूती प्रदान करना है और उस ताकत से आगे बढ़ना है। एक बात आपके जहन में नहीं आती होगी शायद, आजकल हमारे नेता प्रवास भी दिन में करते हैं, शाम को वापस होते हैं। टच एंड गो, टच एंड गो, टच एंड गो, नो। प्रवासी कार्यकर्ता ऐसे होने चाहिए जो रात को रहे, पार्टी को समझे, अंदर की बात जाने, कार्यकर्ताओं में क्या चल रहा है उसको पहचाने और उनके साथ खड़े होकर के पार्टी को सजग कार्यकर्ता के रूप में सजग संगठन बनाए, इस बात की भी हमको कोशिश करनी होगी। इसलिए वी विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवल एंड हु टेक टूर फॉर पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैं जो बात आपसे कर रहा हूं वो बहुत कम लोग इनकी चर्चाएं करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि बस हम गए, बैठक ली और बैठक लेकर के आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी जानकारी हमको इनफॉर्मल टॉक्स में मिलती है, वो फॉर्मल टॉक्स में नहीं मिलती है। और इसीलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संगठन की दृष्टि से भी आप इन बातों की चिंता और चर्चा करें। एक मैं हमेशा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, यहां बैठे हुए लोगों को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, जाने अनजाने में हम ये समझ बैठते हैं कि हमें सब कुछ पता है और यह कार्यकर्ता और नेता के स्थूल होने का, खड़े हो जाने का ये पहला लक्षण होता है। मैं चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन हमने सेल्फ एनालिसिस ये लगभग छोड़ सा दिया है। और कई बार मैं किसी से बोलता हूं, बताओ तुमने पिछले एक महीने में क्या काम, नड्डा जी हमको आप काम बताएंगे, मैं तो 1970 से कर रहा हूं, इसे जानता ही हूं सब कुछ। सच्चाई ये होती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है और हम टारगेट नहीं रखते और टारगेट के साथ साथ समय के साथ टारगेट को नहीं जोड़ते। मेरा सभी यहां के बैठे हुए लोगों से निवेदन है, अपनी सेल्फ एनालिसिस शुरू करो। आप तय कीजिए
कि हमारी कमिटमेंट के साथ साथ हमारी उपयोगिता रेलेवेंस कितनी है। एंड पॉलिटिक्स इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू बी रेलेवेंट, और रेलेवेंट का मतलब ये होता है कि आप पार्टी में कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, आपकी उपयोगिता कितनी है, आपकी आपकी अपने डेवलपमेंट में योग्यता में कितना विकास हुआ है, आपकी स्वीकार्यता कितनी है। मुझसे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं नड्डा जी मुझे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, मैं देखो जी मेरा कुछ आप करते ही नहीं हो। वो बेचारे को ध्यान में नहीं आता कि वो 20 साल से अकेला चल रहे हैं, अकेला ही चला हुआ है। किसी भी बैठक में आएगा, मैं हाजिर हो गया, नमस्कार जी मैं जा रहा हूं। तो ये अकेला चल रहे होगा और दूसरा कोई आ जाए, लाना नहीं कभी। अब देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, दूसरा आ ना जाए तो आपकी स्वीकार्यता कैसे बढ़ेगी। मैं हंसी हंसी में कई बार बोलता हूं, मंच बहुत सजा हुआ है, बैठे हैं नेता, तो बोलते आओ बैठो आओ बैठो आओ बैठो, कहां बैठे, कुर्सी देगा तब ना बैठेंगे। तो ये जो स्वीकार्यता, सबको साथ लेकर के चलने की ताकत, ये नेता को डेवलप करना पड़ेगा और ये हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से परिपक्वता, मैच्योरिटी, हमारे में हमें हमें ये इसकी एनालिसिस करनी चाहिए कि क्या हम मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं, कार्यकर्ता समस्या नहीं होती, कार्यकर्ता समाधान होता है। वो समस्या नहीं बन सकता, शिकायत करने का काम नहीं है। और दूसरी बात, कार्यकर्ता पोस्ट ऑफिस नहीं है, वहां पर घटना घट गई, फोन किया, हां जी सतीश जी, हां जी वसुंधरा जी, यहां पर यह घटना घट गई, पोस्टमैन का काम पूरा किया, फोन रखा, चल दिया। नहीं, आप गए वहां क्या, नेता तो आएंगे लेकिन आपने क्या किया, व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमने पोस्टमैन नहीं बनना है, हमने कार्यकर्ता बनना है, हमने उसका उत्तर देना है, हमने उसको संभाल करके चलना है। और मैं इसलिए सारी बातें आपसे कर रहा हूं क्योंकि यह बातें हम लोगों के जहन में होनी चाहिए कि हम संगठन के दृष्टि से कैसे अपनी उपयोगिता बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं, कैसे हम और मैच्योर हो सकते हैं, कैसे हम अपनी स्वीकार्यता बढ़ा सकते हैं, कैसे हम सबको समावेश करने की हम ताकत पैदा कर सकते हैं। ये जब पैदा होता है, देखिए लीडर जो होते हैं वो किसी के कहने से नहीं बनते, लीडर जो होते हैं वो अपने एक्शन से बनते हैं। और एक्शन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्वीकार्यता तभी डेवलप होती है जब हम सबको साथ लेकर के चलने का मादा उठाते हैं। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको पार्टी की स्ट्रेंथ को अगर आगे बढ़ाना है और ताकत बढ़ानी है तो ये सब मैच्योरिटी के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तो जरूर उसका हमको लाभ मिलेगा। अब मैं अगर बात करूं केंद्र सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आप सब लोग जानते हैं, बहुत से सांसद हैं यहाँ पर, बहुत से विधायक हैं, सब सारी बातों को जानते हैं, लेकिन क्या हमने राजस्थान की जनता को इस बात का एहसास कराया है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये कोरोना का संक्रमण आया, कोरोना का संक्रमण तो सारे दुनिया में आया था, लेकिन क्या हुआ, दूसरे देशों में कोरोना नेतृत्व के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया। अमेरिका का चुनाव, ट्रंप का चुनाव कोरोना पर ही हो गया, और आपको मालूम है कि उस मुद्दे ने क्या नतीजे पहुंचा दिए। ये हमसे शक्तिशाली थे, ये हमसे स्वास्थ्य की सुविधाएं में अच्छे थे, सारा यूरोप कोरोना के संक्रमण में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं हमसे अच्छी थी। मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी थी, जनसंख्या छोटी थी, लेकिन वो असहाय हो महसूस किया और लड़खड़ा गए, और एक बार नहीं तीन तीन बार लॉकडाउन लगाना पड़ा, फिर भी अपनी मोर्टैलिटी रेट को, मृत्यु दर को संभाल नहीं पाए। लेकिन भारत जैसा देश, 130 करोड़ का देश, जिस दिन कोरोना आया था उस दिन हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद भी मोदी जी के नेतृत्व ने 130 करोड़ देश को
समय पर लॉकडाउन लगा करके इस देश को बचाया, इस बात को हमको समझना चाहिए। अमेरिका क्या कह रहा था? नो वी विल नॉट गो फॉर लॉकडाउन, इकोनॉमी इज मोर इंपॉर्टेंट। यानी इकोनॉमी और जनता जान, इसके बीच में वो फैसला नहीं कर पा रहे थे। सारा यूरोप क्या कहता रहा कि नहीं हम तो इकोनॉमी की चिंता करेंगे। हमारे मोदी जी ने क्या कहा? जान है तो जहान है। और जब जान की चिंता कर ली तो कहा जान भी है और जहान भी है, दोनों को हम संभाल लेंगे। ये बात गांव गांव तक हमको पहुंचाना है कि किस तरीके से मोदी जी ने और हमारे नेतृत्व ने किस तरीके से 130 करोड़ के देश को बचाया। जिस दिन कोरोना आया था, मुझे मालूम है एक लेबोरेटरी होती थी NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, एक। आज 2,500 से ज्यादा लेबोरेटरी हैं। आज लगभग हम डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 15,000 के आसपास हैं। और उसी तरीके से हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, वह टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो 12 लाख पर डे हो गई है। 12 लाख टेस्टिंग हम कर सकते हैं, ये हमारी ताकत हो गई है। 3 लाख हम साल में वेंटिलेटर बना सकते हैं, 5 लाख PPE किट हम बना सकते हैं। एक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं था, इंपोर्ट कर रहे थे। पिछले मार्च महीने में हम इंपोर्ट कर रहे थे। आज हमारे पास 5 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी है। हम लोगों ने HCQ और पैरासीटामोल प्रधानमंत्री जी ने देश को ही नहीं दिया, 150 देशों को दिया। 150 देशों को, ये छोटी घटना नहीं है। अभी वैक्सीनेशन के लिए क्यों बाकी देश वैक्सीनेशन की में पहल नहीं कर पाए? वो तो हमसे बहुत आगे थे रिसर्च में, R&D में। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भारत के उद्योग को और भारत की जो टैलेंट है उसको जगाया और हमारी जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम था उन्होंने उस काम को पकड़ा, हमारे साइंटिस्ट ने पकड़ा। एक नहीं, दो दो वैक्सीन बनाई और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम अब चल पड़ा है, दूसरे चरण पर पहुंच गया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ 20 देशों को हम वैक्सीन दे चुके हैं। अभी भी हमारे देश मांग रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए हम इंडिया का वैक्सीन लेंगे और कोई वैक्सीन नहीं लेंगे। और कल प्रधानमंत्री जी ने खुद को, पहले कोरोना वॉरियर्स को, उसके बाद खुद को इंजेक्शन, वो वैक्सीनेशन लगाया और देश में ये स्थापित कर दिया कि इस वैक्सीनेशन को हमको आगे बढ़ाना है, इसके काम को आगे बढ़ाना है। मित्रों, ये सारी बातें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको ये सब चीजों की जानकारी नहीं है। नहीं, आपको जानकारी है, लेकिन ये बात जन जन तक जानी चाहिए। ये बात हमको बार बार बतानी चाहिए क्योंकि ये छोटी घटनाएं नहीं है। इसको हमको ठीक ढंग से रखना, यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। आप बताइए, कोरोना के हम लोगों ने कभी सोचा था कि 3 महीने का लॉकडाउन होगा? और कभी सोचा था कि 3 महीने के लॉकडाउन में हमारे गरीब साथी कैसे रहेंगे? लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को दे करके 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे करके 9 महीने तक, मार्च महीने से लेकर छठ और दिवाली तक बहनों का इंतजाम किया गया ताकि वो 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खा सके, इस काम को किया गया। इसी तरीके से बहनों को 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए पहुंचाने का काम किया गया। मैं ये सारी घटनाएं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि UNO ने भी और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने भी, दोनों ने यह कहा। डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कहा, मिस्टर मोदी हैज नॉट ओनली आंसर्ड द हेल्थ इश्यूज, ही हैज आंसर्ड एंड एड्रेस्ड द इकोनॉमिक इश्यूज ऑल्सो विच इज नोटवर्दी, ये उन्होंने कहा। उसी तरीके से UNO ने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है और आत्मनिर्भर भारत है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। इसने भारत के 130 करोड़ जनता को सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ने का लक्ष्य दिया है। और आत्मनिर्भर भारत को, जिस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें तो आप सब लोगों को, हम सब लोगों को साथ देने की जरूरत है। और ये उत्तर अपना राजस्थान, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट से लेकर के हर एक प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, यहाँ के प्रोडक्ट्स के दृष्टि से जो काम हो रहा है उसको हमको वोकल फॉर लोकल बनने की आवश्यकता है। और वो वोकल फॉर लोकल के लिए
हम सब लोग अपने आप को कैसे आत्मसात कर सकते हैं, यह करने की जरूरत है, यह मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा। मित्रों, हमारी यात्रा, जब हम यात्रा की बात करते हैं, मैं बार बार छोटी छोटी बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा रास्ता क्या है और हम चले कहां से थे। आप देखिए, हम जब सरकार में नहीं थे और हम विपक्ष में रहा करते थे तो हमको लोग छेड़ा करते थे, क्या कहते थे, जनसंघ और बीजेपी का इकोनॉमिक मॉडल क्या है, व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल। जो पुराने लोग होंगे उनके ध्यान में होगा, उनको छेड़ा जाता था। छेड़ा शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो समझते थे कि इकोनॉमी के चैंपियन अगर है तो हम ही है और कोई नहीं है। लेकिन उनको क्या मालूम था कि जनसंघ के प्रस्तावों से निकला हुआ एकात्म मानववाद बढ़ता बढ़ता अंत्योदय तक पहुंचेगा और राजस्थान की धरती से भैरव सिंह शेखावत जी के माध्यम से शुरू हुआ अंत्योदय, देश में जनता पार्टी आई तो अंत्योदय योजना को आगे बढ़ाया गया। और क्या था अंत्योदय? अंत्योदय यही था कि समाज सुखी तब रहेगा जब पायदान में खड़ा अंतिम व्यक्ति, जब उसकी चिंता होगी तभी समाज सुखी होगा। और लेफ्टिस्ट क्या बोलते थे, ना कुछ नहीं, सिर्फ पेट ही इंपॉर्टेंट है, यानी भूख महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भूख के साथ साथ मन भी महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि भूख के साथ साथ भूख की तृप्ति होनी चाहिए, लेकिन भूख के साथ साथ इंटेलेक्ट की भी तृप्ति होनी चाहिए, भूख के साथ साथ आत्मा की भी तृप्ति होनी चाहिए। इसलिए मन, बुद्धि, आत्मा, भूख, ये सबकी तृप्ति होगी और सिर्फ अपनी नहीं होनी चाहिए, अपने पड़ोसी की भी जब होगी तभी समाज में शांति आएगी, तभी समाज मंगलमय होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। ये बात उन्होंने उस समय कही। और अंत्योदय के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी को एक नया रूप दिया। क्या दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये वाक्य ऐसे ही नहीं है, ये शब्द ऐसे ही नहीं है, ये हमारे इकोनॉमिक मॉडल का सार है। दिस इज द एसेंस ऑफ अवर इकोनॉमिक मॉडल। और आप देखिए, आयुष्मान भारत, क्या है आयुष्मान भारत? 130 करोड़ का देश, 55 करोड़ के लोग 5 लाख के हेल्थ कवर के अंडर आ गए। यानी अमेरिका नहीं सोच सका, यूरोप नहीं सोच सका, हिम्मत नहीं कर सका। और आपको मालूम है हमारा आयुष्मान भारत कितना बड़ा है? सारी अमेरिका की आबादी में ला लो, सारी कनाडा की आबादी में ला लो, सारी मेक्सिको की आबादी मिला लो, सबको जोड़ लोगे तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बनता है। अब इसका अंतर क्या पड़ा? अब लोगों को लगेगा हाँ आया आयुष्मान भारत, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने गरीब के घर पे कभी देखा नहीं कि अगर कैंसर हो जाए तो वो उस मरीज के साथ कैसा व्यवहार होता था? आपको इसका अंदाजा नहीं होगा कि किसी घर में, अगर गरीब के घर में किसी की हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए तो बाईपास सर्जरी कराने के लिए घर बिक जाता था। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो या तो वह बेचारा कैंसर से जाएगा या उसका घर जाएगा या खेत जाएगा, या परिस्थिति थी। और ये एक छोटी जनसंख्या की नहीं थी, 130 करोड़ देश में 55 करोड़ लोगों को आज उसका लाभ ये मिल रहा है कि इंडिया के, भारत के गरीब लोगों का हेल्थ स्टेटस ऊंचा आ रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। 1.5 करोड़ लोग
तो ये सारी बातों का इसका असर क्या पड़ता है? आप सोचिए, आपके आपके घर में बिजली नहीं हो, आप आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस कितना रुक जाता है, आप इस बात को समझिए। जिन घरों ने वर्षों तक बिजली नहीं देखी होगी, उनके घर का विकास कैसा हो रहा होगा? और उनकी छोटी संख्या नहीं है, 2,60,00,000 से ऊपर की संख्या उनको घर में बिजली पहुंचाने का काम किया गया। हमारे नौजवान युवाओं के लिए मुद्रा योजना से लेकर के स्टार्टअप योजना से लेकर के हमारे बाकी योजनाओं के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है। अभी ये आत्मनिर्भर भारत में स्मॉल और मीडियम साइज के जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, उनको पैकेज के रूप में उनको मुख्य धारा में लाने का काम चल रहा है। मित्रों, ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि लास्ट माइल डिलीवरी देने में हम सांसद लोग, हम विधायक लोग, हम कार्यकारिणी के सदस्य लोग, हम उसमें अपना कैसे योगदान कर सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए और इस तरीके से उनको जोड़ना चाहिए। किसान की बात ले लीजिए, आप बताइए, आजकल लोग किसानों के बारे में बात करते हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस पर कोई बहस कर ले, किसानों के किसान नेताओं ने वर्षों लिप सर्विस की है और किसान पर राजनीति की है, किसान का भला नहीं किया है। अगर किसान का भला किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। आप बताइए, फर्टिलाइजर के लिए लाठीचार्ज होता था कि नहीं होता था? ये नीम कोटेड यूरिया किसने पहुंचाया? ये सॉयल हेल्थ कार्ड किसने पहुंचाया? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसने पहुंचाई? और ये हमारे अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ किसानों को ये काम किसने पहुंचाया? और ये जो रिफॉर्म्स है, ये रिफॉर्म्स किसान की तस्वीर और तकदीर बदलेगा, इस बात की हमको गारंटी है। और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये ऑप्शनल है, करना चाहो करो, न चाहो न करो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मैं सबसे पूछता हूं, बताओ रिफॉर्म्स में कौन सी चीज है? और मैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर तो चर्चा ही नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो वो है, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये वो है कि जैसे गेम में होता है ना, पहले बॉल इधर से मारते रहते हैं, फिर हाफ टाइम के बाद कोर्ट बदल जाता है, फिर उधर से मारने लगते हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट को भी उसी तरीके से बदल देते हैं। जब इधर होते हैं तो बोलते हैं रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स, जब उधर खड़े हो जाते हैं नो रिफॉर्म्स नो रिफॉर्म्स नो रिफॉर्म्स। पूछो इनसे कि क्या है भाई, मालूम नहीं। ये एपीएमसी को अबॉलिश करने का मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने लिखा था कि नहीं लिखा था? और आप देखिए ये कैसा कैसी तस्वीर है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, मैं बिलासपुर का रहने वाला हूं, मैं अपना प्रोडक्ट बिलासपुर के जिले से बाहर नहीं ले जा सकता, और एक निब बनाऊं अगर मैं कलम का, तो मैं दुनिया के किसी कोने तक पहुंचा दूं, उसके लिए कोई उसमें रुकावट नहीं है। लेकिन और बता दूं आपको, कई स्थानों पर तो यह है कि आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते हैं। अगर आरती नंबर 251 आपका काउंटर है तो आप 290 के पास भी नहीं जा सकते हैं, यह स्थिति ला करके खड़ी हुई है। लेकिन ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है हम वार्तालाप के लिए तैयार हैं, आप इसमें से बताओ क्या चीज इसमें से सुधार करने की जरूरत है, हम करेंगे। किसान हमारे अन्नदाता है, उनको मुख्य धारा में शामिल करना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन ये जो राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक नेता रोटियां सेकने का काम और राजनीतिक पार्टियां करती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि गांव गांव घर घर एक एक किसान के पास जाकर के ये बात करनी है कि हमको जो हमने रिफॉर्म्स लाए हैं उससे किस तरीके से भला होने वाला है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चल रही थी क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ पंजाब की कांग्रेस की सरकार लेके नहीं आई थी क्या? तुम करो तो सच, हम करें तो झूठ, कि क्या मतलब है? ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हमको चर्चा करनी चाहिए और लोगों को इस बारे में हमको बताना चाहिए, लोगों को सामने इन बातों को रखना चाहिए। मित्रों, सतीश जी ने कुछ बातों की तरफ इंगित किया है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का एक रूटीन सा हाल बन गया है, और मैं इनको बोलता हूं फ्रस्ट्रेटेड लॉट। ये इतने फ्रस्ट्रेशन में है सत्ता पाने के लिए कि ये कुछ भी वायदा करेंगे
और जो वायदा करेंगे उसको कभी निभाएंगे नहीं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बोलो, कर्जा माफी की बात कही थी कि नहीं कही थी? दिन भी गिना दिए थे ना कि इतने दिन में हो जाएगा। तो अब आपको मालूम ही है कि इन लोगों ने क्या किया और किस तरीके से। और दुख के साथ कहना पड़ता, मैं पिछली बार आया था तो मैंने बताया था कि दलितों पर यहां बहुत अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। आज राजस्थान दलित अत्याचार में नंबर 2 पर खड़ा है, कोई सुध नहीं है। अगर हम बात करें क्राइम रिकॉर्ड्स के दृष्टि से, जैसा इन्होंने बताया 21% बढ़ गया है क्राइम रिकॉर्ड, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये आंकड़े हैं। अगर हम बात करें, अभी मुझे बताया गया था कि राजेंद्र राठौर जी ने विधानसभा में भी इस विषय को रखा था, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की दृष्टि से 15.3% बेरोजगारी बढ़ गई है, हम रोजगार देंगे। मैं कई बार बोलता हूं कांग्रेस के नेताओं को रोजगार के विषय पर जानकारी 0 है, इनको मालूम नहीं है। ये पॉपुलिस्ट स्लोगन में बातचीत करते हैं, रोजगार अकेला रोजगार नहीं आता। जब तक कि समाज के अंदर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बना तब तक रोजगार नहीं आता है। अगर दलितों के साथ अत्याचार होगा, अगर क्राइम रिकॉर्ड का ये हालचाल होगा तो कौन आएगा यहां? और उसी तरीके से अगर हम देखें ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को, तो राजस्थान भ्रष्टतम राज्य बन चुका है। मतलब हम राजस्थान में पहले या दूसरे नंबर पर ही हैं। किन चीजों में? क्राइम में, करप्शन में। अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुष्कर्म और रेप में नंबर 1 राजस्थान खड़ा है क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार, रेप्स में। ये महिलाओं की स्थिति आकर के खड़ी हो गई। और ये क्यों हो रहा है इसको भी समझिए। जब राज्य करने की प्रायोरिटी नहीं होगी तो राज्य होगा कैसे? मेरा चार्ज है कि वर्तमान सरकार, गहलोत सरकार का प्रायोरिटी सुशासन देने का नहीं है, प्रायोरिटी कुशासित राज्य के रूप में बढ़ने का है। इसको हमको समझना चाहिए और इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि आने वाले समय में लॉक स्टॉक एंड बैरल के साथ इस सरकार को नमस्कार और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। इसको हमको आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। बजट के बारे में आप लोगों ने चर्चा की ही है। अब इनके बजट ऐसे होते हैं कि मैं चाहूंगा आप लोगों को जो पहले 2 बजट हैं उनके सारे आंकड़े निकाल करके और सारी घोषणाओं को निकाल करके जनता के सामने जाना चाहिए, पूछना चाहिए, आपके प्रस्ताव में आना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई इस बार के बजट की तुम बात कर रहे हो, पहले तो ये बताओ कि पिछले बजट का क्या हुआ, कितना धरती पर लगा। लेकिन मित्रों, हमको एक बात माननी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की संस्कृति यह मान के चलती है कि हमने झूठ बोलते रहना है, जनता सुनती रहेगी और जनता हमारे पर विश्वास करेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समय बदल चुका है, भारतीय जनता पार्टी सशक्त माध्यम है सच्चाई को सामने लाने का और दूध का दूध पानी का पानी करने का, समाज को जागृत करने का, और उसके साथ साथ सत्ता के दृष्टि से सही लोग सही जगह पर बैठे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं अपने कार्य समिति के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग फील्ड के वर्कर्स हैं, मैं आपको कुछ समझाऊं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हां इन बातों को हमको जमीन तक ले जाना है, जनता के बीच में रखना है, उनको हर छोटी बड़ी बात से जानकारी दिलानी है, वह आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, और यहां पर भी कमल खिलाना है, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी पुरानी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, जमीनी पार्टी है, जमीन पर काम किया है, और उसको हमको फिर से एक रूप देने की आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है कि राजस्थान में हम दे पाएंगे और हम यहाँ पर सफल होंगे, इसका हमको पूरा ध्यान भी है। जो चुनाव के लोकसभा के नतीजे आए हैं उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया है कि गहलोत की सरकार से लोग मुक्ति पाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। यह हमारी जिम्मेवारी है
कि हम पूरी ताकत के साथ उनकी आशाएं और आकांक्षाओं पर उतरें, और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग जरूर करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत। आपने जिस तरह से हमने इस कार्य समिति में आपका हमें